सो दोस्तों गॉडफादर, गॉडफादर मूवी जो इसका लग गए हैं गॉडफादर, मेरे दोस्त इसकी तो लगी पड़ी है, क्योंकि मेरे दोस्त ये मूवी रिलीज हो चुकी थी 5 अक्टूबर 2022 में ही। सो मेरे दोस्त ये मूवी 4 दिनों में कितना कलेक्शन किए मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा एक छोटा सा रिव्यू ले लीजिए इस मूवी का, क्योंकि आप लोग जान तो जाइए कि ये मूवी कितना घिसी पीटी, एकदम कितना पीट चुकी है। सो मेरे दोस्त उतना भी ज़बरदस्त नहीं पीटी है। खैर इसका जो बजट था वो 90 करोड़ था, लेकिन मेरे दोस्त बजट से तकरीबन कितना पार किए मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप लोग छोटा सा एक रिव्यू जान लीजिए इस मूवी का, क्योंकि मेरे दोस्त ये मूवी में आप लोग को सलमान खान चिरंजीवी दोनों ही देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा दो एक्टर्स देखने को मिले हैं तो आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों की फैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त थी तो इस मूवी को तो लगभग में 100 करोड़ तो पार कर ही लेना चाहिए इन 4 दिनों में। और मेरे दोस्त मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले छोटा सा रिव्यू आप लोग को देने का, मेरे को अंदर से कीड़ा काट रहा है क्योंकि अपन बताने का आप लोग को, क्योंकि मेरे दोस्त मेरा मूड नहीं था इस मूवी का रिव्यू करने का, लेकिन खैर करना पड़ा है क्योंकि मेरे दोस्त ये मूवी उतना लाजवाब थी नहीं, क्योंकि मेरे को उतना पसंद आई नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त इस मूवी में सलमान खान की एंट्री इतनी ज़बरदस्त 4-5 बार होती है, छोटे छोटे जैसे छोटे छोटे वीडियोज नहीं होते वैसे छोटे छोटे एंट्री होती है सलमान खान की। और मेरे दोस्त एंट्री में इस बार सलमान खान की एंट्री बाइक से होती, और बाइक में ही मिसाइल लगी होती है, सलमान खान बाइक से ही मिसाइल फायर कर देते हैं। अपन को भी वैसी बाइक चाहिए बिल्डो की मिसाइल लगी हो उस बाइक में। अरे मेरे को एक चीज़ याद आई कि इंटेलिजेंस वाले को भी इससे कुछ सीखना चाहिए, इनको ले लेना चाहिए यार, इंटेलिजेंस वाले ले लेते तो अच्छा होता, क्योंकि फाइटिंग तो इतना ज़बरदस्त आती है, इनको बाइक में ही मिसाइल लगा के चलने क्या बिड़ लोग आतंकवादियों से लड़ना है क्या। वो कैप्टन वाली बाइक याद आ गई, लेकिन उसमें तो मिसाइल थी नहीं। सो मेरे दोस्त इसमें सलमान खान के पास एक मिसाइल वाली बाइक होती है, आप लोग को चाहिए तो कमेंट कीजिए कि हाँ मेरे को चाहिए। सो मेरे दोस्त जो मूवी है इतना पॉलिटिकल है कि मेरे को तो इसकी कहानी पसंद ही नहीं आई, सिर्फ वही होता है कुछ आप लोग को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ही नहीं, यूथ जनरेशन को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा इस मूवी से, ना ही आप लोग को कोई इंजॉय ना ही कोई इंटरेस्ट इस मूवी में आएगा। मेरे दोस्त मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मूवी का जो कलेक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैं आप लोग को बता देता हूँ, फाइनली इस मूवी की कहानी में कुछ रखा दखा है नहीं तो मैं आप लोग को सीधे सीधे बता देता हूँ कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा है। वन डे बॉक्स ऑफिस इसका जो इंडिया से कलेक्शन नेट इंडिया से कलेक्शन रहा है 20 करोड़ रहा है। सो मेरे दोस्त 20 करोड़ तेलुगु में यह मूवी 19 करोड़ कमाई और हिंदी में 1.505 करोड़। सोचिए मेरे दोस्त कितना कम, सलमान खान के फैन फॉलोइंग कितनी ज़बरदस्त है, लेकिन 1.5 करोड़ पहले दिन ही हिंदी में, क्या मेरे दोस्त। और पहले दिन की जो नेट कमाई है 20 करोड़, सोचिए। और दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ 11 करोड़, तकरीबन 12 करोड़ लगभग 12 करोड़ सिर्फ कमाई है। सोचिए मेरे दोस्त ये मूवी इतनी गजब की थी, इस वजह से इसका जो वो एक ही दिन में इतना कमज़ोर पिट गई कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। देखिए 2 दिन में इन्होंने कमाई की, पहले दिन 20 करोड़ दूसरे दिन 12 करोड़ और तीसरे दिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 8 करोड़ 8.5 करोड़। सोचिए दिन पे दिन कम होते ही जा रहा है। और आप लोग को बता देता हूँ चौथे दिन जो इसकी कमाई है वो 10 करोड़ थोड़ी बढ़ी है, क्योंकि मेरे दोस्त पूरी इसकी कमाई है 51 करोड़। इन 4 दिनों में भी इस मूवी ने 51 करोड़ कमाई की है और इसका बजट है 90 करोड़। फिलहाल बजट तक तो पहुँच ही जाएगी, लेकिन मेरे दोस्त उतना कमाल कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसकी कहानी में ना दम है, कहानी में थोड़ा मोड़ा दम आप लोग को देखने को मिलेगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा ज़बरदस्त सीन इसमें है ही नहीं जिसमें ये दिल आग बन जाए। सो मेरे दोस्त ऐसी कोई कहानी है ही नहीं इस मूवी में, और पार्ट और आप लोग को लव स्टोरी और एक्शन उतना वो वाला देखने को नहीं मिलेगा इस मूवी में। और हाँ आप लोग को पॉलिटिकल चीज़ों से जुड़े रहना है तो आप लोग जाइए देखिए इस मूवी से मूवी को, क्योंकि इसमें नेताओं नेता ये सब थोड़े बहुत होते हैं लेकिन मेरे को पसंद नहीं है। और मेरे दोस्त मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये मूवी लगभग रीमेक है, एक लूसीफर जो मूवी थी उसकी रीमेक है लगभग, क्योंकि कुछ हद तक बदलाव किए गए हैं, लेकिन कुछ हद तक सिर्फ ही बदलाव किए गए हैं, पूरी तरह से इसमें बदलाव नहीं आप लोग को देखने को मिलेंगे, कुछ हद तक रीमेक ही कह सकते हैं इस मूवी को।
सो मेरे दोस्त, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर जबरदस्त लगी तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए मेरे दोस्त, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फिल्म अपडेट्स के साथ।